बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं आमलेट चीज़ पराठा, जो कि बच्चे जो सादा आमलेट नहीं पसंद करते और पराठे के साथ बना के दो तो बहुत दिल करते हैं, नहीं खाते, तो इसी लिए हमने आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ये चीज़ आमलेट पराठा, जो कि हम ऊपर ही लग जाएगा उसके पराठे के ऊपर और चीज़ भी साथ लेगा तो बहुत शौक से खाएंगे, और ये बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और ये रियली बहुत टेस्टी होता है, मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए आज बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैंने आटा गूंद के रखा है, इससे मैंने चुटकी नमक डाला है और थोड़ा सा घी डाला है और अजवाइन थोड़ी सी डाली है, जो कि ज़रा वो ना गैस वगैरह नहीं होती बच्चों को, और ये मैंने साथ बटर ऑयल लिया है, तो चाहे बटर ऑयल ले लें, सादा ऑयल ले लें, जो भी आप घर पे हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैंने ये दो अंडे लिए, दो अदद, और उससे मैंने ये टमाटर काटे हैं, और ये मैंने आलू बॉईल किए थोड़े से लिए हैं, और ये शिमला की मिर्च है, और ये प्याज मैंने काट के रखे हैं, और ये मैंने ज़ीरा साबुत जीरा लिया है, जो कि मुँह में ज़रा आएगा तो अच्छा लगेगा। ये मैंने पंच लिया उसका चाट मसाले का, और ये काली मिर्च है और नमक है और ये सुरख मिर्च है, और हम सबको मिक्स करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। अभी हम ये इसके अंडे डालेंगे। ये सब चीज़ें हम इसमें डाल देंगे, ये टमाटर के और ये आलू के और ये शिमला की मिर्च है, टेस्टी लग अच्छा लगता है मुँह में, फ्लेवर आए ना ये शिमला की मिर्च का स्पेशल आमलेट में, और इसमें हम ये सारे मसाले डाल देंगे। अपने आपको वेल फिक्स कर लेंगे, तेल से ये ना सब में नमक और थोड़ा बन जाएगा, ऐसे हम घी अंदर लगाएंगे ना, जब पराठा जो है ना सॉफ्ट बनेगा, क्रिस्पी सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, आप ज़रूर ट्राई करें। और मैं तो अपने बच्चों को यही बना के देती हूँ, स्कूल भी जाते हैं, सलाद भी ले जाते हैं, नाश्ता भी कर जाते हैं, शौक से खाते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएँ कमेंट्स में कि कैसा बना। ये देखिए पराठा पक्के, इसको हम थोड़ा सा पका लेंगे, और इसको दोनों तरफ से ना थोड़ा थोड़ा पका देंगे, एक तरफ से बहुत अच्छा पकाएंगे, अच्छा लगेगा जितने हम ये ओरिजिनल लेंगे। अभी हम इसको ये जो अंडा है इसको ना सारे को कर देंगे एक बेहतर स्कोर में आ जाएगा। अभी इसमें हम ये पराठा रखेंगे, हम इसको करेंगे सीधा, पक गया तकरीबन पक गया है, इसमें हम फिर लगाएंगे चैटर चीज़ लगाएंगे, इसमें देखें एक साइड पर अच्छी तरह पक गया अंडा, और यूं करें बहुत ही अच्छा बना है, तो इसको हम इसको इसके ऊपर ऐसे कर देंगे। अभी ये हमारा रेडी हो गया है, और ये देखें ऐसे पीसेस में आप छोटे छोटे पीस करके बच्चों को भी दे सकते हैं ऐसे काट के, और बड़े शौक से खाएंगे और बड़े भी खाते हैं ये नहीं बच्चे, और उसके साथ ये चाय हो जाए तो खाएं और एंजॉय करें। और मैं ये अपनी बेटी को बना के दे रही हूँ छोटी को, तो अब ये बताइए कैसा बनाए।
अल्लाह भी आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह आपके बच्चों की परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और अल्लाह सब बच्चों को कामयाब करे। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, और अल्लाह हाफिज़।